अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो कल जो हम लोग ने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन किया था, सब लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और लास्ट वाला आंसर सब लोगों को आई होप बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा ही है, अच्छा लगा एक्चुअली। कमेंट भी आया उसके, अच्छा कमेंट्स भी बहुत अच्छा है। और सर्दी आ चुकी है इसलिए मैंने स्वेटर निकाल दिया है, धोधा के रखी दी थी, अभी पहन लिया है और थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा ना आपको। हाँ वो थोड़ी सी सर्दी हो गई है, अभी समीर को भी हुई है, समीर को भी सर्दी खांसी हो गई है। वैसे तो दवाई ले ली है हमने, तो आप लोग दुआ करो हम जल्दी से अच्छे हो जाए। और बहुत लोगों को एडवाइस अच्छी लगी लास्ट वाले आंसर की, है ना समीर। हाँ। बोल रहे थे सब लोग। हाँ लेकिन जो बोला है वो फॉलो भी करो, बस सुन के चुप मत रहो। और एक जन कोई तो था, उन्होंने कमेंट भी किया था कि हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भी अभी ऐसे ही रहेंगे जैसे आप लोगों ने बताया है, तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड कि आप लोग भी ऐसे अच्छे रहो और फाइट्स वगैरह मत करो, ठीक है। और अभी हम लोग सोच रहे कि अम्मी के घर पे जाना, बोर हो रहा है बहुत। फाइट से याद आया, फरा भी बहुत फाइट करती है, अभी इसको बोल रहे कि फाइट मत करो, लेकिन फरा भी मेरे से बहुत लड़ती है। मैं वैसे थोड़ी लड़ती हूँ, इतना भी नहीं लड़ती मैं। लड़ते हो आप? नहीं इतना नहीं है फ्रेंड्स, मैं इतना नहीं लड़ती हूँ। हाँ थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है मुझे, और मैं बहुत इमोशनल टाइप की हूँ कि थोड़ा भी कुछ भी हो जाए तो मेरी आग भर के आ जाती है, मुझे रोना बहुत जल्दी आता बहुत है, मनाना पड़ता है। बहुत जल्दी मुझे रोना आ जाता है, तो होता है ना किसके किसके अंदर, वो इमोशंस है मेरे अंदर बहुत सारे, ऐसे हो जाता है मेरे को कभी कभी, मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ। लेकिन समीर अच्छे, ये देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं, हीरो होने भी देते नहीं मेरे को, तुम इतना सताते हो फरा। हाँ ना? क्या बोलो अभी। हाँ ना? हाँ फिर मैं सताती, लो खुद जब रेडी होते हैं तो मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जब मैं रेडी होने जाता हूँ ना तो मैडम का इतना डिस्टर्ब रहता है ना मेरे को, यही जल्दी करो मेरे को भी आना है, जल्दी हटो, अरे थोड़ा हमें भी करने दो। इतने जल्दी रेडी होके बैठी मैं अभी, शुक्र मानो। हाँ वो भी मैंने बोला आपको जल्दी रेडी होने के लिए, कुछ क्यों नहीं हो, मेरे को भी टाइम लगता है ना अभी जरा रेडी होने के लिए। आपका स्वेटर किधर है? नहीं वैसे मेरे को अभी इतनी ठंडी, आप गोरे दिख रहे हो समीर। अरे फरा क्या है अभी। हाँ वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि फरा ने बताया कि हमारा जो एडवाइस था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ कमेंट पढ़े हैं उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उसको फॉलो भी कीजिए। मैंने हमने वो एडवाइस ऐसे ही नहीं दिया है, आप लोगों को फॉलो भी करने दिया है। झगड़े तो होते रहते हैं कपल्स में, अभी हम दोनों के भी होते हैं, लेकिन फरा ने आपको बताया नहीं, हम दोनों के भी बहुत झगड़े होते हैं और मेरे को भी बहुत मनाना पड़ता है। जैसे फरा ने बोला कि वो बहुत, मैं मनाती, आप क्या मनाते हैं? अभी कमेंट में आप दोनों जरूर बताना कमेंट में कि दोनों में से कौन किसको मनाता है। अभी उन्होंने खुद बोला कि मैं बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, अभी इमोशनल बोले तो ऐसा इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि थोड़ी देर जाके किधर बैठे करें एकदम रोने लगते हैं, तो अभी इनके आंखों में आंसू आया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं सोचता हूँ अरे अल्लाह मैंने कुछ गलत बोला, शायद मैंने फरा को हर्ट किया, तो फिर मैं ही मनाना स्टार्ट कर देता हूँ। बट मैडम का जल्दी मानते नहीं हैं मैडम, फरा एक ही चीज़ को मानते हैं, बोलता आज शाम में हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। ये जैसा ही मैंने ऐसे बोला ना फरा सभी भूल के एकदम खुशी से, तो ऐसा ही हुआ। अभी परसों थोड़ा हम दोनों का झगड़ा हो गया था, तो मैं काम ही कर रहा था, तो कुछ तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, थोड़ा मैं ऐसा ही टेंशन में मैंने कुछ बोल दिया इनको, तो ये नाराज़ हो गए। मेरे को लगा थोड़ी देर बहुत चुप चुप रहने लगे ये, मैंने सोचा क्या हुआ फ़रा को, फिर मेरे को याद आया कि हाँ मैंने ही थोड़ा फ़रा पे चिढ़ा था, अभी मनाऊँ कैसे, बात ही नहीं कर रहे मेरे से। फिर मैंने बोला फ़रा आज शाम में जैसा ही मेरा काम हो जाएंगे ना हम बाहर जाएंगे, जैसे मैंने ऐसे बोला ना थोड़ी देर से मेरे को चाय भी सभी ला के दे, बोला क्या बात है, बोला हाँ मैंने बोला ना इनको अभी क्या बाहर जाएंगे करके, इतनी खुशी से ना चाय भी। फिर शाम में जब हो गया फिर मैं बोला फराज नहीं यार मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, ऐसे में मजाक कर रहा था जैसे हम बाहर जाने ही वाले थे, फिर मैं थोड़ा मश्किरी कर रहा था इनके साथ, मेरे को अच्छा लगता है फरा को मेरे को सताने अच्छा लगता है यही कि मैं बाहर नहीं लेके जा रहा आपको, ऐसे ही बोला ना फरा का मूड पूरा ऑफ हो जाएगा, पता नहीं बाहर घूमने का बहुत शौक है फरा को। मेरा ऐसा कुछ है फरा जैसे कि आप मेरे को मनाते हो? मैं तो बहुत जल्दी मान जाता हूँ,
क्योंकि फरा मेरे को मनाते मेरे को अच्छा नहीं लगता ज्यादा, ऐसा रुसना बैठना फरा से बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, चीड़ आई ना तो घर से बाहर जाता हूँ थोड़ी देर बैठता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि घर से बाहर जाने के बाद, घर पे आने के बाद क्या होने वाला है अपने साथ। कुछ भी नहीं होता, बस कुछ भी नहीं होता। हाँ तो फिर मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल ऐसा झगड़े करके बाहर जाने का। अरे झगड़े करके कभी कभी क्या होता है, मैं बाहर क्यों जाता हूँ, क्योंकि अभी दोनों भी गुस्से में रहते हैं, फिर दोनों भी एक दूसरे को, अगर दोनों भी गुस्से में रहेंगे, अगर किसी को तो शांत होना चाहिए ना, तो मैं निकल के चला जाता हूँ शांत होने का, थोड़ा देख के हंस देने का, शांत हो जाने का ये। और शांत ये कभी शांत नहीं होंगे, इसलिए जैसे बोल रहे हैं ना अभी शांत होना, ये शांत होंगे नहीं, मैं इसीलिए निकल के चला जाता हूँ, फिर थोड़े 5-10 मिनट में वापस आ जाता हूँ, फिर दोनों का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ रहे नहीं। अगर हमारे घर पे कोई तीसरा भी रहेगा ना, वो इतना शौक होगा ना, तो इतना झगड़ा किया दोनों ने अभी, और अभी वापस से पास में दोनों इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन हम झगड़े में भी लिमिट में करते, इतने भी नहीं करते, ऐसे नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं, क्यों इतने कंपल में झगड़ा नहीं होता है, होता है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं ना, नहीं मैंने ऐसे बोला था आपको, ताकि आप रेडी होके घर पे बैठे, हम कल जा रहे हैं, कल मेरा वीक ऑफ है, फिर क्यों तो चुप्पी से मुझे रेडी करा है, क्यों फिर मुझे रेडी करा है आपने, ऐसे ही बोल के। आज भी थोड़ा तुम गुस्से में थे ना, इसलिए मैं थोड़ा बोला, देखेंगे, मान गए तो इतना सब रेडी होके बैठे मेरे से पहले, मैं लॉग आउट करके फिर बाद में मैं फ्रेश हुआ, अभी बोल रहे जाएंगे, सोचा अभी कल मेरा वीक ऑफ है। मंचूरियन खाने का, मंचूरियन लेकिन बीजापुर का मंचूरियन बहुत अच्छा, बीजापुर जैसा मंचूरियन मिलता ही नहीं यहाँ पे, बहुत ढूंढी नहीं मिला बीजापुर में। इनको मंचूरियन इतना पसंद आया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने खिलाया, मेरे को लगा पसंद आएगा या नहीं करके, लेकिन खिलाया, इतना पसंद आया ना, फौरन दूसरे दिन से कंटिन्यू मेरे को बोलने लगे कि मेरे को बीजापुर का, मेरे को चले बाहर जाएंगे मंचूरियन खाएंगे, मैंने बोला फौरन अच्छा नहीं लगता मम्मी अब्बा यहाँ पे रोज बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, बोले कि नहीं मेरे को, फिर मेरे अम्मी बोले कि जाना उसको लेके जाना थोड़ा बाहर, फिर हम जाने के पिज्जा वीज़ा सब उन्होंने भूल गए थे, उनको सिर्फ मंचूरियन ही खाना था, मंचूरियन फिर वहाँ पे, हाँ वहाँ पे अच्छा ही मिलता क्योंकि, और अपने घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, गगन महल जो गार्डन है उसके पास में मंचूरियन बहुत अच्छा मिलता है वहाँ का। अच्छा था, ऐसे ज़्यादा उसमें पसारा नहीं था जैसे यहाँ पे रहता। जैसे इनको पसंद है, मेरे अम्मी को भी वहाँ का मंचूरियन बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा नहीं खाता था पहले, बट अभी भी मैं भी स्टार्ट, घर में भी बनाने को आता लेकिन ना करो करो, बाहर का टेस्ट रहता है वो घर पे नहीं आता। क्या बात कर रहे, मैंने नहीं बनाई थी एक बार, कितना अच्छा। कब एक बार नहीं बनाई थी क्या, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी ना फोटो। हाँ वो लॉकडाउन में बना था क्योंकि बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो घर पे फराई ने बनाया था, तो अच्छा था वो भी, लेकिन बीजापुर से कम ही, क्या बोलते हैं, इधर भी नहीं मिल रहा है। अरे लास्ट टाइम आपने खाया था ना, किधर कोंडवा दापुड़ी के वहाँ पे भी एक इतना छोटा सा स्टॉल है, वो अंकल भी बहुत अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं ना, अगर कभी हमारे को वहाँ पे जाना हुआ तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। ओनली 20 रुपीज का है लेकिन बहुत टेस्टी है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और उनका हाइजीन है सब, मतलब एकदम ऐसा क्लीनलीनेस भी बहुत था उनके जो गाड़ी पे, बहुत अच्छा लगा। और कभी इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं, अभी हम शिफ्ट होने ही वाले, वैसे हम मतलब मेरे अम्मी अब्बा शिफ्ट होने तो वाले होने वाले हैं, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो मैं वो वीडियो शूट करके आपको जरूर, और आप लोगों की दुआओं से मेरे अब्बा भी अभी बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत दुआ किए थे, बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे थे, देखी थी मैंने, उस वजह से हम बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, एग्जैक्टली वही रीजन था, अभी सबको बता नहीं सकते कि क्यों नहीं कर रहे, फिर बाद में मैंने वीडियो में बता दिया कि ऐसे ऐसे रीजन था, और उसके बाद फराह की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से हम वीडियो ज्यादा अपलोड नहीं कर रहे थे। तो अभी हम संडे को फिर से ये क्वेश्चन आंसर्स का करेंगे, इसमें तो मजा का कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क कीजिए, उस वजह से आप लोगों का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप कमेंट भी करते हो तो कंफ्यूज होता है कि कमेंट्स कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें नहीं और रहता कोई है। कोई बोलते कि सिर्फ नाम लो, कैसे नाम ले लेगा, वो नाम लेंगे ना तो वीडियो बहुत आ रहा, जब भी मैंने देखा उसको व्यूज भी नहीं आ रहे और उतना वो वीडियो नहीं चल रहा है, इस वजह से वो हमने बंद ही किया है, कमेंट सेक्शन हमने बंद किया है सिर्फ नाम लेने का, हमने सोचा कुछ क्वेश्चन का वही आंसर दे दें, तो सिर्फ उस पर आप लोग हमें कमेंट कीजिए तो हम उसके रिगार्डिंग ही आपको वीडियो बनाएंगे कमेंट पे, और क्वेश्चन मार दीजिए जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ के उसको। सॉरी मेरे सर्दी और खांसी मेरे को बहुत हो गई है, और 2-3 दिन में इतनी ठंडी स्टार्ट हो गई है पुणे में भी, बाप रे, और हमें देखा अभी स्वेटर वीटर सब रेडी में है, अभी बाहर जा रहे हैं हम थोड़ा, अभी वो कहाँ है मेरे कान का,
इसमें है आपके कबर्ड में है। अच्छा यहाँ पे है क्या? हाँ तो देखता हूँ। हाँ वो ना मैंने MG रोड से लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। ऊपर होगा समीर, आपकी बैग रखते ना वहाँ पर। अभी पहन रहे हो? नहीं लेकर जाएंगे, गाड़ी पे पहनूंगी, मुझे शर्म आएगी ना इसे घर से पहनना बोले तो शर्म आएगी ना बाबा। हमारे छोटे ननंद को बहुत पसंद था ये, दिखाओ। उनको भी चाहिए था ये, लेकिन वो टाइम पे लॉकडाउन था तो मिला ही नहीं। इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी लेकर जाऊंगी जब मैं अगली बार बीजापुर जाऊंगी। तो ये है जिसका ऐसे पहनना है। वाह इससे ठंडी, ये गाड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा ना, गाड़ी पे ठंडी नहीं लगेगी। कान तो में ठंडी अच्छा नहीं जाती मैन, और थोड़ा फनी है लेकिन अच्छा है, सेफ्टी है हमारे लिए, थोड़ा सा फनी है, ठीक है, चलता है फनी लुक भी। क्या करें, फ्रेंड्स अभी निकलते हैं, 8:30 बजे हैं अभी, हम जा रहे हैं। ये देखो अभी यहाँ पर भी देखने में आगे पीछे, मैं ही जाता फिर मैं ही पूरा आगे जाता, तुम आ जाओ यहाँ पे। मैं जब समीर को पहली बार देखी थी ना, मुझे लगा था समीर की हाइट मेरे से छोटी है, लेकिन देखो मैं कितनी छोटी दिख रही आपसे। पहले मैं बहुत दुबला पतला था, अभी देखो मैं भी थोड़ा नहीं नहीं आप भी दुबले पतले ही थे, अभी शादी के बाद दोनों ज्यादा थोड़े मोटे हो गए हैं, है ना? क्योंकि उतनी खुशी जो है हमारे को। डिंग डिंग डिंग। चलो फिर, चलो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी। तो चले गाइस, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अब भी मैं काम करके ब्रेक ले आऊँ, सॉरी लॉग आउट ही हो गया मेरा, पूरा काम फिनिश हो गया है, तो अभी थोड़ा बाहर जाते हैं फिर आते हैं। कल मेरा वीक ऑफ भी है, कल भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। नाइट आउट गले में लगा दो। नहीं 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 अभी समझी भाई। तो चलिए फ्रेंड्स अभी निकलते हैं, ठंडी से ज्यादा बाल की फिक्र है। मैं बाल को बहुत ध्यान से ज्यादा हो गया गया अभी आपका, ऐसी बात नहीं है, कौन देख रहा, फिर भी मैं अपने आप का बहुत ध्यान रखता हूँ नहीं रखने का। चलिए अभी निकलते हैं, बाय गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कल नया ब्लॉग आएगा उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए, बाय।